नमस्कार, अपना उत्तराखंड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में भाजपा ने सरकार के 4 साल के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस को घेरने का काम किया है। बता दें कि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के 4 साल में किए गए विकास के कार्यों को गिनाया, तो वहीं बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि इस सरकार ने 2017 में जो वादे प्रदेश की जनता से किए थे, उनमें से कितने पूरे हुए हैं ये बताएं। इसके बाद मैंने नहीं कही, शपथ ग्रहण करने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। और क्या कहा था कि 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे। 4 साल हो गए, ना जीरो टॉलरेंस का नारा दिखाई दे रहा है और ना कहीं पर जो है लोकायुक्त दिखाई दे रहा है, ना NH-74 की CBI जांच होती हुई दिखाई दे रही है। और तो और, जिस प्रदेश के मुखिया पर हाईकोर्ट ये निर्णय दे दे कि मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। देखिए, शॉर्ट में मैं इतना ही बता सकता हूँ कि 2017 में जब हमारी त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार बनी, त्रिवेंद्र जी ने केंद्र के साथ एक अच्छा तालमेल और एक अच्छा सहयोगात्मक रवैया अपना करके प्रदेश की जन भावनाओं का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने करना चाहिए था, वो सम्मान त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने किया है। और 4 वर्षों के अंदर इस प्रदेश में त्रिवेंद्र सरकार और भारत सरकार के सहयोग से अभूतपूर्व कार्य हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ धाम को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। बता दें कि केंद्र सरकार दोनों धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने जा रही है, जिसपे 900 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह सड़क करीब 248.52 करोड़ रुपए की लागत के साथ करीब 2.5 साल में बनेगी। तो वही परियोजना पूरा होने के बाद बद्रीनाथ से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को रुद्रप्रयाग नहीं जाना पड़ेगा। हरिद्वार में मेला अधिकारी दीपक रावत ने मेले के अधिकारियों और बैरागी अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ बैरागी क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां प्रतिनिधियों ने बैरागी कैंप के किए जाने वाले कार्यों के बारे में उनको अवगत करवाया गया। बता दें कि मेला अधिकारी ने सभी अधिकारियों को समय रहते पेयजल, साफ सफाई, शौचालय और सड़क बनाने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर मेला अधिकारी ने नेशनल हाईवे निर्माण का काम कर रही सैम इंडिया कंपनी के प्लांट को 25 जनवरी तक बैरागी कैंप से हटाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही कुंभ मेला में दिगंबर अड़ी के प्रतिनिधि बाबा हटयोगी ने विश्वास जताते हुए कहा कि हमें मेला प्रशासन पर पूरा विश्वास है, वह समय रहते यहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे। अप्रोचमेंट भी है, घाटों तक की भी है, साफ सफाई का है, लेवलीकरण का है, और जितना कहता का एक जिससे अपने ये कोई मतलब कंपनी वालों का पड़ा था, उन सबको मेला अधिकारी जी ने अपने धरातल पे जाके, जिसे कहते हैं ना मतलब मौका मुआयना पे जाके उसका निरीक्षण किया, सबको तत्काल यहाँ से हटाने के 1-2 दिन 4 दिन जितना का भी समय दिया। और बैरागी कैंप की जितनी भी व्यवस्था है वह है एकदम टॉप हाई फाई करने का हमें आश्वासन दिया। और हमारा 15 दिन तक का दिगंबरणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़े, इन तीनों की बाउंड्री गेट ये सब करके हम लोगों को मतलब बनाने के मतलब वो करने के लिए जो जो सरकार से मिलती है वो सुविधा पूर्ण करने का हमें पूरा उन्होंने वादा किया। बैरागी कैंप में जो पारंपरिक रूप से व्यवस्थाएँ की जाती रही हैं वो सभी की जाएंगी। इसमें सबसे पहले जो मौके पर ड्रेसिंग लेवलिंग है, ज़मीन थोड़ा उबड़ खाबड़ है, इसको हम लेवल करेंगे। उसके बाद पेयजल के साथ बिजली के कनेक्शंस, और साथ साथ जो हम टॉयलेट्स और बाथरूम्स देते हैं, ये सभी चीज़ें जो पारंपरिक तरीका है उसी तरीके से की जाएंगी। मौके पे कुछ जगह अतिक्रमण हैं, उनको डिपार्टमेंट्स द्वारा नोटिस भी दिया गया है। कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके भी, इनको मैं एंक्रोचमेंट तो नहीं कहूँगा, परमिशंस थी, लेकिन अभी वो वर्तमान में परमिशंस पूरी हो गई हैं, उनको भी मैंने 4-5 दिन का समय दिया है, क्योंकि समय काफ़ी कम है और बहुत सी फैसिलिटीज़ का वहाँ पर हमें डेवलप करना है। तो कुल मिला के समय रहते हमारा पूरा प्रयास होगा, समय रहते अच्छी से अच्छी सुविधाएं
हम यहाँ पे देंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के राजा जी टाइगर रिजर्व से सटे गांव के लिए पार्क क्षेत्र से बह रही सांग व सुसवा नदियां संकट का सबब बन चुकी है। इसको लेकर राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल ने स्थानीय जनता से मुलाकात करके उन्हें जल्द इस समस्या से छुटकारा दिलाने का वादा किया है। बता दें कि इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से इन नदियों में ने जमकर कहर बरपाया है और वहीं बरसात के दौरान आने वाली बाढ़ के चलते यहाँ की कई बीघा भूमि नदी में बह चुकी है। इस समस्या से निपटने के लिए अब यहाँ के ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। सेक्टर जो है इस साल 27% ग्रोथ किया है डेयरी सेक्टर ने। कल मैंने डेयरी सेक्टर की बैठक की थी और इस साल हमारी सरकार 10,000 दुधारू पशु जो है अपने दुग्ध पालकों को दे रही है 50% डिस्काउंट में। वो 3 गाय भी ले सकते हैं, 5 गाय भी ले सकते हैं और लगभग 2,500 लोगों को हम डेयरी सेक्टर से जोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो पहाड़ में महिलाएं घास लाती हैं उनका घास कैसे उससे मुक्ति दिलाई जाए, तो अब सरकार ने एक बड़ी योजना लॉन्च की है कि हम साइलेज पे जा रहे हैं। ऋषिकेश के राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे गांव के लिए पार्क क्षेत्र से बह रही सांग व सुसवा नदियां संकट का सबब बन चुकी हैं। इसको लेकर राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल ने स्थानीय जनता से मुलाकात करके उन्हें जल्द इस समस्या से छुटकारा दिलाने का वादा किया। बता दें कि इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से इन नदियों ने जमकर कहर बरपाया है और वहीं बरसात के दौरान आने वाली बाढ़ के चलते यहाँ की कई बीघा भूमि नदी में बह चुकी है। इस समस्या से निपटने के लिए अब यहाँ के ग्रामीण आंदोलन की राह पर हैं। वहाँ जाना हुआ, जब लोगों ने बताया कि वहाँ हमारी ज़मीनें हैं नदी के बीच में हैं और जंगलों में, मतलब नदी पार करके भी हमारी ज़मीनें हैं, 200 बीघा के करीब उन लोगों की ज़मीनें भाई, मुझे बड़ा दुख हुआ। क्योंकि जब किसान की ज़मीन बह जाती है तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए कुछ नहीं बचता। वो स्थिति वहाँ के किसानों के आँखों में मैंने जो देखे, आंसू देखे, मेरे को बड़ा दुख हुआ। और वहाँ देखने को मिला कि किस प्रकार से कानापूर्ति की गई है काम की, तो उसको लेकर मैंने उनको अपने अधिकारियों से भी बात की जो क्षेत्र को देख रहे हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत नैनीताल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दुग्ध उत्पादक संघ के साथ बैठक की और वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि डेयरी सेक्टर ने इस वर्ष 27% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार 10,000 दुधारू पशु 50% छूट पर दुग्ध उत्पादकों को देने जा रही है, जिसमें दुग्ध पालक 3 से लेकर 5 दुधारू पशु ले सकते हैं और वहीं 50% की छूट के साथ चारा देने की भी योजना है। सेक्टर जो है इस साल 27% ग्रोथ किया है डेयरी सेक्टर ने। कल मैंने डेयरी सेक्टर की बैठक की थी और इस साल हमारी सरकार 10,000 दुधारू पशु जो है अपने दुग्ध पालकों को दे रही है 50% डिस्काउंट में। वो 3 गाय भी ले सकते हैं, 5 गाय भी ले सकते हैं और लगभग 2,500 लोगों को हम डेयरी सेक्टर से जोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो पहाड़ में महिलाएं घास लाती हैं उनका घास कैसे उससे मुक्ति दिलाई जाए, तो अब सरकार ने एक बड़ी योजना लॉन्च की है कि हम साइलेज पे जा रहे हैं। 10 किलो से लेके 50 किलो का पैकिंग जो है हम साइलेज की दे रहे हैं ताकि लोगों को घर तक चारा मिल जाए और ये 50% डिस्काउंट में दे रहे हैं। हरिद्वार में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा माह मनाया गया, जिसे 8 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जाएगा। तो वहीं जिलाधिकारी सी रविशंकर ने सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत करते हुए यातायात जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं बाइक रैली शहर भर के कई स्थानों से होते हुए आम लोगों को सुरक्षित और सतर्क ढंग से वाहन चलाने के लिए जागरूक करेगी। अभी जो है पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार के माध्यम से उनका निर्देश अनुसार ये एक बृहद ढंग से जो है आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार जनपद में भी उसके लिए जो है विभिन्न कार्यक्रमों प्लान किया है, जिसमें मेनली जो है रोड सेफ्टी से रिलेटेड सभी मुद्दे हैं जो जागरूकता देने वाला विषय हो या जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियाँ हैं उसको सुधारने वाला विषय हो, ये सभी मुद्दों पर जो है हम लोग रेगुलरली जो है इसको एक बड़ा वृहद स्तर पर जो है इस महीने पूरे महीने में आयोजन करेंगे।
हरिद्वार में सिस्टम की मार झेल रही ज्वालापुर निवासी एक महिला परेशान होकर अपने दो बच्चों के साथ आत्महत्या के इरादे से पानी की टंकी में चढ़ गई और वहां से कूदने की धमकी देने लगी, तो वही महिला को काफी प्रयासों के बाद नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला के पति की मौत हो चुकी है और वह अपनी जमीन को लेकर दर दर भटक रही है। साथ ही आरोप है कि कुछ भूमाफियाओं ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार ने कहा कि महिला की शिकायत पर जांच की जाएगी। कहा जा रहा है कि हमारे जमीन नाम बोल रही है, तो उस पर हमारे को कब्जा दिलाया जाए। ठीक है, अब जो जांच में अभी तक आया है, जांच में ऐसा है कि ये काफी बड़ा नंबर था, तो इनके अतर सिंह जी हैं, शायद इनके ससुर जी हैं, तो उनके द्वारा सन 91 में भेज दिया गया था। अब उसमें से थोड़ा बहुत एरिया था, मेरे ख्याल में 40 बीघे का टोटल था जो बेचा हुआ था, उसमें से मेरे ख्याल में 300 मीटर इन्होंने रजिस्ट्री शायद अभी कागज में इन्हीं का नाम बोल रहा है। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से हुई चोरी के मामले में खुलासा करते हुए एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दो लोगों ने के द्वारा एक की गई है, एक पकड़ लिया गया है और दूसरा भी फरार चल रहा है, उम्मीद है जल्दी पकड़ लेंगे। इन पूछताछ में इन्होंने बताया कि हमने वहाँ से दो LCD ले गए थे और जो गल्ले इसमें लगभग 4-5 हज़ार रुपया था उसमें से, और वो पैसा ये बरामद कर लिया गया है। सर है और ये खेड़ा लक्ष्मीपुर के रहने वाले हैं और दूसरे का नाम तेजा है और तेजा भी फरार चल रहा है। तो वही उत्तराखंड के जसपुर में समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में बिजली, पानी, सड़क और पेंशन प्रमाण पत्र आदि के मुद्दे छाए रहे। शिविर में 122 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 40 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। आज बहुउद्देशीय शिविरों की श्रृंखला में काशीपुर के बाद जो द्वितीय हमारा बहुउद्देशीय शिविर है समाज कल्याण विभाग की तरफ से, तो जसपुर ब्लॉक में संचालित आज किया गया। उसमें समस्त विभागों से अधिकारी उपस्थित थे, साथ साथ में माननीय विधायक जी और माननीय राज्य मंत्री हैं समाज कल्याण में, तो वो भी उपस्थित थे। तो लोगों द्वारा अपनी समस्याओं को वहाँ व्यक्त किया गया, तो पेंशन से रिलेटेड और विकलांगता प्रमाण पत्र से रिलेटेड और फिजिकल लैंड इशूज, इस तरह के इशूज से डिस्कस की गई। जिन समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जाना था उनका वहीं किया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष SPS रावत की अध्यक्षता में नैनीताल में महिला मोर्चा नगर निकाय की गठित की गई है, और वहीं पर SPS रावत ने कांग्रेस और BJP पर निशाना साधा और कहा कि दोनों ही सरकारों ने प्रदेश की भोली भाली जनता के साथ छल किया है। कि 9 गुट और 10 मुख हो रखे हैं, कांग्रेस के बारे में तो चिंतन करना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में हो चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व में, कांग्रेस की हालत आप दिन पर दिन देखे जा रहे हैं। कांग्रेस को लोग वोट नहीं देना चाहते हैं। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सक्रियता से दिल्ली में किए हुए कार्यों पर और नीति नियत ईमानदारी से जिस प्रकार से दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया, उत्तराखंड में पिछले 20 सालों से दोनों पार्टियों ने आपस में मिलजुल करके 5 साल एक, 5 साल दूसरा, एक दूसरे की भ्रष्टाचार की पोल नहीं खोलते, कहां वो 56 घोटाले गए। उद्यम सिंह नगर में खटीमा के इस्लाम नगर में दो पक्षों में हुई मारपीट में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, और वहीं पीड़ितों ने खटीमा बाजार चौकी में हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग हथियारों के साथ घर में घुसे और घुसकर मारपीट के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। तो लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर सरोवर नगरी नैनीताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और राज्य की BJP सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए मल्लीताल के पंत पार्क में केंद्र और प्रदेश सरकार का पुतला भी फूंका। आज पुतला दहन हमने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है महंगाई को लेकर, विशेषकर पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस। ये सरकार रसोई गैस में 2 रुपये वृद्धि हुई थी, तो इन्होंने कहा था कि हम 2 रुपये कम करेंगे, ये कह के सरकार महंगाई कम करेंगे के नाम पे सरकार पे आई थी। आज महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि सिलेंडर के दाम 300 करीब 730 हो गए हैं
और उस डीजल और पेट्रोल 80 हो गया है। इन बढ़ते हुए मूल्यों को कम करने के लिए हमने इनको मूल वापस लेकर के हमने आज यहाँ पुतला दहन किया। पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने रामनगर में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने कहा कि लगातार पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे आम आदमी प्रभावित हो चुका है। चुनाव में थी तो इन्होंने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, और लोगों ने अभूतपूर्व बहुमत से इनको चुन के सरकार में बिठाया, बल्कि यहाँ तो दोनों जगह बिठा दिया, उत्तराखंड में भी और देश में भी, और दोबारा भी देश में चुन करके बिठा दिया। लेकिन आज जनता का इन्होंने जीना मुहाल कर दिया है, पहले नोटबंदी से, फिर GST से, फिर लॉकडाउन जैसे अव्यवहारिक निर्णय लेकर के जहाँ लोगों का रोजगार छीना, आज बेरोजगारी अपने चरम पर है। ऋषिकेश देहरादून रोड स्थित वेंडिंग जोन में महापौर ने सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन किया। उन्होंने ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर कोयल घाटी के पास भी 3 लाख रुपए की लागत से तैयार नवनिर्मित शौचालय का उद्घाटन किया। प्लस में अपने शहर को रखने के जो प्रयास है और स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करने का जो हमारा प्रयास है, इसी के तहत पूरे नगर निगम क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से हाईटेक शौचालय, सेमी डिलक्स, डिलक्स जिस तरह का हमको जहाँ पे स्थान उपलब्ध हो रहा है, उस प्रकार से हम अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हरिद्वार खानपुर के चर्चित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन नैनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिवार के साथ नैनी झील में नौकायन का आनंद लिया। साथ ही मां नैनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करके मत्था भी टेका। रियासत पे जोर देके दो दो जगह से हार तो गए थे, एक मेरे जिले से हारे थे, एक उधमसिंह नगर से हारे थे, खटीमा से। वो देखिए रिजेक्ट हो चुके हैं, नैनीताल ने उनको रिजेक्ट किया, हरिद्वार ने रिजेक्ट किया, उधम सिंह नगर ने रिजेक्ट किया, क्योंकि उनकी पॉलिसीज बड़ी ही अनपॉपुलर रहीं, शॉर्ट साइटेड रही, और नेपोटिज्म, घर बारवाद, भाई भतीजावाद जो रावत जी के परिवार ने फैलाया, उसका रिएक्शन हुआ कि कांग्रेस बिल्कुल सिमट गई। बागेश्वर में आबादी क्षेत्र में गुलदार घुस आया, जिसके बाद लोग कई देर तक दहशत में रहे। फिर वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पकड़ा। दरअसल मुख्यालय के नारायण देव वार्ड के सेज में जंगल से भटक रहा एक गुलदार पहुंच गया। लोगों के शोर मचाने पर गुलदार डर कर एक झाड़ी में जा पहुंचा, जिसके सूचना आसपास के लोगों ने वन विभाग को दे दी, जिसके बाद गुलदार भागते हुए एक घर के बाथरूम में घुस गया, जिससे लोग दहशत में आ गए। जो है 992 बजे के वक्त करीबन जो है यहाँ आया था, और वो जो है यहाँ से जो है यहाँ तक आया और वहाँ से जो है आगे गया, फिर लोगों के हल्ला करने से ऊपर एक पेड़ था राजेश रावत जी के बगल में केले के पेड़ के, उसमें जो है घाड़ी में जो है वो छुप गया, और वहाँ से फिर लोगों ने हल्ला किया, भीड़ मच गई, तो ऊपर चला गया था। ऊपर जाने से जो है वन विभाग की टीम और अन्य लोगों के भगदड़ देख करके, हल्ला वो हल्ला देख करके जो है वो फिर लौट करके जो है फिर यहाँ आ गया। तो इसी के साथ अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।